हेलो सबको भाई, मैं हूँ आशीष शौकीन। आज भाई हमारे पास है 25 से 30 लाख रुपए जो हमारा बजट है। तो 25 से 30 लाख के बजट में हम लोग गाड़ी सर्च कर रहे हैं, और जो गाड़ी सर्च कर रहा है वो बेसिकली कर रहा है विक्रम। मैं आपको उससे मिलवाता हूँ अभी, और जानते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी वो लेने की सोच रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा एक्सयूवी बेच दी है आप पिछली वीडियो में। तो अब हम दूसरी गाड़ी सर्च कर रहे हैं, तो अभी हम ये देखने वाले कि कौन सी गाड़ी हमको स्टार्ट करनी चाहिए सर्चिंग के दौरान। और जो इसका माइंड है, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं बदल दूँ थोड़ा बहुत, तो कोशिश करता हूँ मैं उस पर। तो भाई ये रहे अपने साथ विक्रम भाई, जिनको मैं लेके जा रहा हूँ। कहाँ पे चल रहे हैं हम? आप बताओगे? आप जीप के शोरूम पे। तो अब मेरे को एक बात, वैसे इसको पता नहीं था कि जा कहाँ रहे हैं। मैंने इसको बोला तू चल, मैं तेरे को एक बहुत बढ़िया गाड़ी कुछ दिखाने वाला हूँ। इसका मन है, दो तीन गाड़ी है इसके माइंड में, लेकिन मैं इसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आज इसको लेके आया हूँ मैं अपने साथ, कि तू मेरे साथ चल। अगर तेरे को एक बार देख तो ले कम से कम, गाड़ी पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो नहीं आए। हमारे जो बजट है वो कितना है भाई? 25 से 30 है ना। तो इस बजट के अंदर देख रहे हैं, अगर भाई ना ही कुछ पसंद आया तो हो सकता है फॉर्च्यूनर भी देख लें, लेकिन अभी के लिए जो है बजट वो 30 लाख तक का है, क्योंकि एक्सयूवी भी उसी रेंज की आती है। तो भाई सेट है माइंड की 25 से 30। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो तू सोच सकता है कि एक्सयूवी बेचने के बाद उसको रिप्लेस कर सकती है? सोचो, बताओ। कुछ भी हो सकता है, पसंद आए नहीं चाहिए। पसंद आनी चाहिए। अभी जीप भी आ सकती है। तो मैं अभी बताता हूँ सीरियसली बात क्या है। विक्रम भाई साहब महिंद्रा के हैं फैन, क्योंकि थार भी ले रखी, एक्सयूवी भी ले रखी, उससे पहले एक स्कॉर्पियो भी थी। ये चाहते हैं कि ये स्कॉर्पियो पे मोस्ट प्रोबेबली, जो मेरे को लगता है, इसका स्कॉर्पियो का भी मन है, लेकिन मैं उस मन को बदलने के लिए आज हम चल रहे हैं जीप के पास। तो नो डाउट कि जीप बेटर है। हाँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों बेटर है। फाइनली भाई हम लेके आ चुके हैं विक्रम को कहाँ पे? जीप के शोरूम पे। और ये वही जीप का शोरूम है जहाँ से हमने अपनी डिलीवरी भी ली थी। और साइड में देख लो, ये खड़ी है मेरिडियन। देखने में तो बड़ी लंबी है भाई मेरिडियन, सच में। मेरिडियन का क्या ख्याल है भाई? कुछ भी हो सकता। लंबी है ना थोड़ी? बड़ी है, बड़ी है, 7 सीटर है। हाँ, तो बढ़िया लग रही है देखने में, तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है। बताओ, जैसे जीप के शोरूम में घुसे, मैं तो फैन हूँ इनकी सर्विस का, पहले से ही हूँ। आते ही भाई अपना पानी वानी पूछ रहे, कॉफी का ऑर्डर भी ले लिया, सारे काम कर दिए, और क्या, घुसते ही बिल्कुल बस अंदर एंट्री करते ही। और ये देखो यार, कितना बढ़िया एम्बियंस बना रखा है यहाँ पे। और हम लोग कहाँ खड़े हैं अभी? मेरिडियन। ये रही भाई, ये देखो इंटीरियर देखो, कुछ भी देखो, अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट। मतलब इस गाड़ी का जवाब नहीं है, बस एक इसके अंदर पावर की कमी है और कुछ नहीं। भाई अभी बैठे हुए मेरिडियन में पीछे की तरफ, और मैंने ये वाली जो सीट है ये पूरी रिक्लाइन कर रखी है, और ये वाली जो सीट है ये हाफ रिक्लाइन है, ये भी पूरी नहीं है। अगर देखो तो यहाँ तक होती है ये देखो पूरी रिक्लाइन है, मतलब जितना इसका बनता है वही है, पहला स्टॉप है इसका। अब आप देखो भाई, स्पेस सांस आनी बंद हो गई भाई यहाँ तो। बच्चे ही अच्छे हैं, बच्चों से ऊपर कोई नहीं बैठ सकता। और देखो मैं कितना ज़्यादा ऊपर होके बैठा हुआ हूँ, मेरे पैर वगैरह देखो एकदम ऊपर चढ़े हुए हैं, घुटने बिल्कुल। बट द बेनिफिट इन जीप मेरिडियन इज़ कि आपकी दोनों सीटें ऐसे अच्छी से टम्बल डाउन हो जाती है, और उसके बाद आप यहाँ से ईजिली निकल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इन सीटों को ऊपर कर दो। मेरे को जो अच्छा लगा वो इसका ये है कि इसमें ब्राउन कलर के जो इंटीरियर है वो बहुत अच्छे हैं, और काफ़ी हार्ड वर्क से, मतलब ये पीछे होती है, जोर ज़्यादा लगता है। भाई अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं अब यहाँ पे, संदीप जी आ गए हैं हमारे पास, और संदीप जी सिखाएंगे हमको कि कौन सा वेरिएंट अच्छा रहेगा और कौन सी हम गाड़ी ले सकते हैं उस बजट के अंदर अंदर। और टेस्ट ड्राइव अवेलेबल है ना भैया? हाँ, तो भाई को टेस्ट ड्राइव करवा देंगे, क्योंकि आज तक चलाई है जीप तुमने? इसने नहीं चलाई कभी जीप। हाँ, आज चलवा के देखते हैं कि क्या एक्सयूवी बेची है। आर है और एक्सयूवी 7 बेच दी। क्यों? इतनी पेट्रोल की थी, माइलेज वगैरह का इशू था। एक्सयूवी 7 डबल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 4,000 किलोमीटर चला के, 4,000 किलोमीटर चला के बेच दी। हाँ जी, और दूसरी थार है, तो ये है रीजन। हाँ, डाल 5 तो इसीलिए तो बेची है। तो भैया आप मेरे को ये बताओ, जैसे जीप प्रीमियम फीचर सारे प्रोवाइड करती है, सेफ्टी वाले, तो जीप इतनी महंगी क्यों है, महिंद्रा क्यों ना ले? अब देखो क्या होता है कि जितने भी अमेरिकन जर्मन हो जो गाड़ियां बनाते हैं, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सेफ्टी, सेकंड प्रायोरिटी होती है कॉस्मेटिक्स। लेकिन जितने भी जापानीज, कोरियन है, इंडियन है, उनकी पहली जो प्रायोरिटी होती है ना वो होती है कॉस्मेटिक फीचर, लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है। हुंडई और वो क्या करते हैं कि बटन दबाया, ये सामान निकलाया, लोगों को बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, जाकर के ले लेते हैं। एयर प्यूरीफायर हो गया। जीप में ऐसी चीज़ें नहीं है, मतलब आती हैं, आजकल देने लग गए, जब स्टार्टिंग में लॉन्च होती तब नहीं थी। लेकिन सेफ्टी, एनकैप रेटिंग 5 स्टार है, तो ग्लोबली एनकैप रेटिंग, ऑसिलेशन एनकैप, ब्यूरो एनकैप, सब जगह से 5 स्टार की रेटिंग मिली।
उनकी गाड़ी में 40-45% स्टील होता है, इसमें जो है आपका 65% स्टील है, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है, और ये सारे रीजन है सेफ्टी से जो इसको थोड़ा एक्सपेंसिव बना देती है, जो इसको चीजें आपको दिखेंगी नहीं, हाँ, लेकिन जब आप ड्राइव करोगे ना तो आपको फील होंगी यार गाड़ी कितनी स्टेबल है, ठीक है, कितनी तगड़ है, ठीक है, आप कहीं पे भी लेके जाओ, मतलब दिस इज अ कार व्हिच कैन गो इन एनी टेरेन, यू विल नेवर गेट स्टक, ये, और धोखा नहीं देगी कभी, बिल्कुल नहीं। अब एक बात बता, जैसे तूने देखा है कि भाई अपना महिंद्रा के ब्रेक फेल हो रहे हैं या फिर महिंद्रा में कोई ना कोई इशू आ ही जाता है, किसी की हीट मार रही है तो फिर वो सेंसर खराब हो रहे हैं, मतलब देख महिंद्रा में सेंसर वेंसर दे तो देते हैं लेकिन वो खराब होते रहते हैं, हैंडल करने में दिक्कत आती है, हाँ, क्या जीप में, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं, वैसे पर्सनली मैंने तो नहीं सुना कि सेंसर खराब हो गए या ब्रेक नहीं लग रहे, ऐसा तो एक चीज क्लियर करता हूँ कि है तो मशीन, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चीजें इसमें लगी हुई हैं, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक सेंसर जो होते हैं ना इनकी बहुत अच्छी तरीके से R&D होती है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब लाया लगाया खराब हो गया, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक है खो भी सकता है, ये सभी गाड़ियों के साथ, बट उनका रेशियो कम है, रेशियो कम है, है ना, अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग पैसे ले रहे हैं प्रीमियम के क्वालिटी के, तो फिर वो क्वालिटी हम आपको देंगे भी, बिल्कुल बिल्कुल, तो चीज़ें इतनी जल्दी खराब नहीं होती हैं। तो भाई से एक बार रेट वगैरह और पूछ लेते हैं, पहले पूछते हैं हम अपना कंपस का कि 30 के अंदर कौन सी बैठेगी हमारी, और विक्रम का बजट वही है तो इसीलिए उसी को ही चेकआउट करने वाले हैं, मैं बताऊंगा, बताओ भैया, थोड़ा सा ना बजट में बहुत ज्यादा नहीं आएगा, कितना ज्यादा आ रहा है, मतलब आप 30 का बजट लेके चल रहे हो, मेरे पास गाड़ी है 32 की, कौन सी है ये, ये है लिमिटेड 4x4 ऑप्शनल ऑटोमेटिक, ऑप्शनल वाली ना, लिमिटेड ऑप्शनल, लिमिटेड ऑप्शन ऑटोमेटिक है, तो इस पर डिस्काउंट वगैरह कुछ है भी अवेलेबल, वो आप कर दो, इधर नहीं मैं, हाँ, बता, वो आप बता देना मेरे को, तो ये 32 की पड़ रही है, और 30 के नीचे नीचे जस्ट 30 के अंदर अगर मेरे को ये होगी भाई 30 में ही चाहिए, तो बिना 4x4 का कुछ नहीं मिलेगा ना, बिना 4x4 का नहीं मिलेगा, तो फिर अगर चाहिए तो वो आपको, और एक जो नाइट ईगल वेरिएंट आता है, वो नाइट ईगल तो फिर वो लॉन्गिट्यूड का सब वेरिएंट है ना, हाँ, वो कितने का है, क्योंकि उसका इंटीरियर अच्छा लगा था, इंटीरियर अच्छा लगा रहा था, नाइट ईगल का प्राइस जो है अगर डीजल है अभी, हाँ, नाइट ईगल कितने का है अभी, नाइट ईगल डीजल में जाओगे तो मैनुअल मिलेगा, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, हाँ, नाइट ईगल ऑन रोड गुड़गांव रजिस्ट्रेशन चाहिए ना, हाँ, 2578 का है, तो विक्रम भाई जैसे हमने पहले सुना था कि नाइट ईगल पे कोई ऑफर वगैरह चल रहा है, तो क्या ऑफर है अभी, है वो सर, नाइट ईगल पे ऐसा है एक्स शोरूम पे आपको 80,000 का बेनिफिट मिलेगा, वाह यार, एक्स शोरूम के ऊपर डीजल में, तो कितने का पड़ेगा वो, जैसे 25 का है, अब ये गाड़ी पड़ रही है 2578, तो ये 25 क्या 2490 के आसपास आ गई, ओवरऑल रख लो 24,70,000 24 लाख इतने में आ जाएगी है, मतलब लॉन्गिट्यूड वाले प्राइस पे ही आपको नाइट ईगल मिल जाएगी, लॉन्गिट्यूड पे भी वही स्कीम चल रही है, अच्छा, सब पे वो स्कीम है, बस जो हम लेने आए हैं उस पे नहीं है, वो उस पे नहीं है, अच्छा, अब आप लेने आए हो वो प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा सेलिंग है, जो सबसे ज्यादा निकल रहा है, हाँ, वही इसी यही कारण है कि उसके ऊपर नहीं है, लेकिन नाइट ईगल लॉन्गिट्यूड पे है, तो भैया मेरिडियन का और एक बार बता सकते हो कुछ कि हम सोच सके कि भाई मेरिडियन भी बजट, सबसे सस्ती मेरिडियन बताना आप, सबसे सस्ती मैनुअल है फिर, हाँ, मैनुअल मेरिडियन कितने की है, मैनुअल पड़ेगी 2990 की है, हाँ, लिमिटेड में, और वो पड़ रही है आपको 34.90 35 लाख की, 35 लाख रहने दो भैया, इस वाले पर्चे को हम छोड़ देते हैं अभी इसको नहीं देखेंगे, आए तो थे हम कंपस देख ले, लेकिन मेरा मन भाई इस गाड़ी से उतरने का ही मन नहीं कर रहा, मेरिडियन से खड़ी हुई गाड़ी तो नो डाउट बहुत बढ़िया, ये इंटीरियर देख लो, ये कॉफी ब्राउन आपका इंटीरियर देख लो, सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है, सब कुछ सॉफ्ट टच है इसके अंदर, बस प्रॉब्लम क्या है पावर की, तो इसीलिए हम लोग अब चलते हैं बाहर की तरफ, गाड़ी आ चुकी है अपनी, ऊपर करना है तो स्टीयरिंग कर ले, मेरे को नीचे लग रहा है ज्यादा थोड़ा, मेरी हाइट कैसी, ठीक है, नीचे तो अब विक्रम चला के देख रहा है भाई अपनी जीप कंपस को, और मेरिडियन और इसको चलाने में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, मोटा मोटा सेम ही है, हाँ। तो फिर इसको चला के देखते हैं, और अगर सस्ते में भाई अगर ये चीज पसंद आ जाए तो क्या ही कहने भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि पर माने तब ना, एक बार देखते हैं फील कैसी है, मेरी जिद है कि भाई ये गाड़ी ले ले, बेस्ट है, और दूसरी चीज अभी हम लोग बैठे हुए लिमिटेड के अंदर, लिमिटेड ऑप्शनल 4x4 ऑटोमेटिक, ये रहे आपके सारे 4x4 के कंट्रोल, फोर लो होल्ड ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, यहाँ पे आप सैंड मट स्नो कर सकते हो, ये ऑन द गो भी कर सकते हो, अभी ऑटो के अंदर चला रहे हैं हम लोग, और जब 4x4 लगाएंगे तब बता देंगे अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है, बता भाई, उठ नहीं रही हाँ। वो तो स्टैंड स्टिल से है ना, कुछ उठ ही नहीं रही, अच्छा पिकअप में फर्क लग रहा है, वही तो उठ नहीं रही है, वही है जिसने 200 PHP चला लियो पेट्रोल की,
फिर वो कहां इससे ज्यादा मेरी थार उठ जाती है 130 bhp। नहीं नहीं नहीं, मतलब ही नहीं बनता। मैं कह रहा हूं थार इससे ज्यादा तेज नहीं भाग सकती भाई। मैंने दोनों चलाई है। हां जैसे 40-50 के बाद इसको मैं चला रहा हूं ना, तो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। लेकिन एक बार जो स्टार्टिंग है ना, इंग्लिश जिसको बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अब देखो 30 की स्पीड आ गई है, पूरा पंजा दबा, अब तो दबाना पड़ेगा। सोच रही है एक बार को बस लगेगा, लेकिन हाई स्पीड स्टेबिलिटी वो सब, नो डाउट ये लग रहा है कि हमें किसी सेफेस्ट कार में है। बिल्ड क्वालिटी एक नंबर। देख मैंने तो बहुत चला रखी है गाड़ी, तो फिर हाँ तो फिर मेरे को पता है कि भाई जो इसके बेनिफिट और जो इसके प्लस पॉइंट है ना, मैं तो याद है मेरे को अच्छे से दिमाग में है मेरे। इंटीरियर का मैं फैन हो गया है ना। हाँ, बैठते जो मेरे को सबसे पहली चीज लगी वो है प्रीमियम, प्रीमियमनेस जो कि टोयोटा में है, इतनी नहीं है एज कम्पेयर टू जीप कंपास। तो आपका सॉफ्ट टच बता रहे हो और बता क्या रहे हो, मैंने फील कर। अच्छा एक बात और बता, महिंद्रा का बेटर है इसका क्या इंटीरियर फील? नो डाउट जीप का ना। क्या है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, आप 100 की स्पीड पे हो, 150 पे हो, 180 पे हो, गाड़ी आपके कितना कंट्रोल में है वो देखने वाली बात होती है कभी भी आप टेस्ट ड्राइव लेते हो। तो बस वही चेक करनी है और ब्रेकिंग चेक करनी है कि भाई ब्रेक्स कितने अच्छे हैं। और कॉर्नरिंग करूं? आराम से करियो बस। करो नहीं, इतनी में ही पता चल जाएगा ना। हाँ बस भाई, अगर इतनी चेक कर ली ना, और 120 की स्पीड पे थी ना ये। भाई मेरे को तो सच बता रहा हूँ, मैंने इतना टेस्ट तो अपनी 120 की स्पीड पे आप ये इस तरह की कॉर्नरिंग कौन सी गाड़ी में कर सकते? नहीं कर सकते भैया, नहीं कर 120 की स्पीड पे जो अभी कॉर्नरिंग करी है ना भैया, कोई भी गाड़ी नहीं है इस सेगमेंट में प्लस। हाँ, इस सेगमेंट की गाड़ी में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब यहाँ पे पता क्या क्या काम कर रहा था बताइए, आप बताओ। रोल ओवर मिटिगेशन काम कर रहा था, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोग्राम काम कर रहा था, फोर चैनल जो डिस्क ब्रेक है इसके, वो चारों टायर में अलग अलग ब्रेक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे जिसकी वजह से गाड़ी टिल्ट ना हो, ये सारे फंक्शन एक साथ काम कर रहे थे जिसकी वजह से इसकी ड्राइवेबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, स्टेबिलिटी कंट्रोल था सब कुछ था। क्या ये चीज आप अपनी थार के साथ कर सकते हैं? वो तो सेगमेंट ही अलग हो गया, जो काम कर दे वो ये नहीं कर पाएगी। चलो ठीक है यार, पर लेकिन जो हमारा मेनू कहते हैं ना मुद्दा था, हाँ, वो जो गाड़ी लेने का है, नो डाउट गाड़ी प्यारी लग रही है, छोटी है लेकिन वो कहने एक मजा सा आ रहा, अब मजा आ रहा है। जब जितना टाइम आप जीप के साथ बिताओगे ना, उतना ही प्यार होता जाता है इस गाड़ी के साथ। मैं पता है आपको एक चीज बोलूंगा, आप जब इस गाड़ी को लेके जाओगे ना और दोबारा मार्केट में आओगे यार कि चलो 4 साल बाद चेंज करते हैं, अब वापस जीप में आओगे। जीप वाले कितनी तगड़ी टेस्टिंग कराते हैं, पहली बार देख रहे हैं कोई ऐसी टेस्ट। नहीं तो बाकी टेस्ट ड्राइव वाले पता क्या बोलते हैं, अरे नहीं नहीं सर यहाँ नहीं, मत जाना, बस वापस ले लो। यार यही तो है कस्टमर एक्सपीरियंस, संदीप जी एकदम सही कह रहे हैं कि जब तक आपको वो चीज पता ही नहीं है, आपने फील ही नहीं करी, तो आप क्यों जाओगे उस गाड़ी के लिए। तो बस जीप में यही फायदा है कि आपको वो चीज फील कराई जाती है प्रॉपर तरीके से पूरी की पूरी। चल क्या हुआ, जबरदस्त है, जबरदस्त, ये चीज देखा तूने? भाई साहब अभी मैं बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है। ऐसा हो गया किसी ने हाथ रख दिया ऊपर से, गाड़ी इंच भी नहीं हिल सकती, मतलब 100 की स्पीड पे अगर इतनी जल्दी कोई गाड़ी नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती। अभी पार्किंग ब्रेक पूरा उठा दिया था मैंने इमरजेंसी सिचुएशन में, और वहां पे स्पीड थी 100+, और इतनी जल्दी जो कोई गाड़ी रुक जाए, मतलब हमने ये सेफ्टी के तौर पे देखा था कि पीछे कुछ भी नहीं आ रहा था, हमने तभी किया था, है ना। आपने ये नोटिस किया स्टीयरिंग भी इधर उधर नहीं भाग, स्टीयरिंग भी नहीं, स्टीयरिंग हिला था, स्टीयरिंग तो तेरे हाथ में था। हाँ, बिल्कुल नहीं, नहीं हिला ना, आप स्टीयरिंग छोड़ के भी ये कर सकते। वाह यार, एक बार और ट्राई करते हैं, कर ले 60 तक का। 60 हल्की स्पीड पे करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि एक तो हम ढलान पे थे, तो ढलान भी थी, फिर भी गाड़ी रुक गई। बता इस बार हम करेंगे 60 की स्पीड पे, तो पीछे कुछ नहीं आ रहा। रेडी स्टडी करूं? बताओ कितनी जल्दी रुकी गाड़ी, 1.5 सेकंड। हाँ बस, तो ये मैं विक्रम तेरे को यही चीज दिखाने के लिए लाया था कि सिर्फ ब्रांड वैल्यू पे मत जाया करो कि भाई महिंद्रा है, महिंद्रा की गाड़ी अच्छी होती है, जीप है, जीप की अच्छी होती है, खुद फील करो।
गाड़ी लेने से पहले उसको चला के देखो और उसको जानो। कंपनियां चलाने तो नहीं देती, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जीप चलाने दे दी है, 2 किलोमीटर चलाई नहीं, सारी रेड लाइट से यूटर्न मार लो। बस बस संदीप जी, ये तो आपका रिगार्ड है, मैं सच बता रहा हूँ कि आप जो सर्विस देते हो ना भाई, ऐसे कि गाड़ी में कुछ भी टेस्टिंग करो, हमने यार रोल ओवर के लिए चेक किया, हमने ब्रेक चेक किए, स्पीड में भगा के देखी, कहीं पे भी हमको कोई इशू नहीं मिला। और जो भाई है टेस्ट ड्राइव हुई ना, आज मतलब जो कहते हैं कि टेस्ट ड्राइव कैसे करनी चाहिए, वो आज हुआ। जीप ने बताया कि टेस्ट ड्राइव कैसे लेते हैं, नहीं तो बाकी तो डरते हैं। 2 किलोमीटर में ये बोल देंगे ना कि सर ब्रेक मार के देखनी है, मना कर देंगे सर मेरा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, मेरे ये जी निकल जाते हैं उनका। और संदीप जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि देखो ऐसा होता है, हम जब कोई भी गाड़ी चलाता है ना, वो जब थोड़ी सी आगे चलाता है, 1 किलोमीटर भी चलाता है, हमें पता चल जाता है कि ये कैपेबल है, स्किल्स है इनके पास चलाने की। अच्छा अच्छा समझ गए, ठीक है, तभी हम अलाउ करते हैं। अगर हमें लगता है कि यार कुछ न्यू ड्राइवर है तो फिर आप खुद ही खुद करके निकल जाते हैं। समझ गए, तो ये लेकिन हाँ हम ये सारी चीजें फील कराते हैं, क्योंकि अगर फील नहीं करेंगे तो बंदा सोचेगा गाड़ी में इतना डिफरेंस है, नाम तो इतने सारे ले लिए लेकिन फील कहाँ हुआ, वो प्राइस का वो डिफरेंस कहाँ है, वो प्राइस का डिफरेंस दिखता नहीं, वो ऐसे दिखता है। भाई विक्रम ने कर लिया टेस्ट ड्राइव सेटिस्फाइड, और भाई संदीप जी को किसी को भी कोई भी जीप की गाड़ी जरूरत हो, जीप हो, मेरिडियन हो, कंपस हो, कुछ भी हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो लैंडमार्क जीप गुड़गांव, रैंगलर, अरे भाई साहब ये भी तो आती है, मैं भूल जाता हूँ उनके नाम। एक बात बताओ संदीप जी, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, मेरिडियन आने के बाद क्या कंपस की सेल्स कम हुई है? नहीं सर, जो कंपस की, उसने अलग ही, दोनों अलग ही कस्टमर है, है ना, अलग अलग, मतलब वो परफेक्ट है, जो पहले से बड़ी गाड़ी यूज करते हैं, जिनकी फैमिली बड़ी है वो लोग सेल करते हैं। और पैन इंडिया पहली मेरिडियन आपके शोरूम से गई है, ये भी अच्छी बात है, आप ही ने दी है। तो भाई नंबर आ रहा होगा, संदीप भाई को आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, एवरी टाइम रेडी फॉर द सर्विस। थैंक यू भाई। तो भाई मेरा जो मोटिव था विक्रम को दिखाने का कि जीप क्यों अच्छा है, जीप क्यों लेनी चाहिए एज अ जीप फैन बॉय, वो मैंने इसको दिखा दिया, लेकिन आगे का डिसीजन विक्रम के ऊपर डिपेंड करता है। अभी कैमरे के पीछे है वो, वो आपको पता लग जाएगा कि ये गाड़ी वैसे उसने शॉर्टलिस्ट कर ली है, अब डिसाइड करेगा बाद में अपने फैमिली में डिस्कस करके कि कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। और यहाँ का एक्सपीरियंस भाई मेरे लिए बहुत ही बढ़िया था, बहुत मज़ा आया मेरे को आज। और यही थी आज की कुछ वीडियो देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।